हेलो एवरीवन, वेलकम टू जादोन इंडियन किचन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से पराठे। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं पराठे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमने ये 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आटे को हमने पहले ही छान कर ले लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल कर सॉफ्ट डो लगा कर के तैयार करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर के डो लगाएंगे और इस तरह से आटे को मुट्ठी की सहायता से दबा दबा कर हम इसका डो लगा कर तैयार करेंगे। आटा हमारा लग कर के तैयार है। आटे को ढककर 5 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट होगा तब तक हम चावलों की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे। पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे। एक कटी हुई हरी मिर्च और एक कटा हुआ प्याज है, इसे डालकर सुनहरा कलर होने तक हम इसे भूनेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा सुनहरा होने तक ही हमें प्याज को भूनना है। प्याज हमारी हल्की सी सुनहरी हो गई है। इसे भूनने में हमें 1 मिनट का समय लगा है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 सेकंड के लिए मसाले को चलाते हुए भून लेते हैं। और हमने ये 1 कटोरी रात के बचे हुए चावल लिए हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें डालकर, जिससे कि मसाला अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इन सभी को 1 मिनट के लिए भून कर तैयार कर लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और चावलों को ठंडा होने देते हैं। स्टफिंग हमारी जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम आटे को देख लेते हैं। आटा भी हमारा सेट हो गया है। देखिए, दबाने से पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट आटा लग कर के तैयार हुआ है। अब हम गैस ऑन करके एक तवा रखेंगे। तवे को गर्म होने देते हैं। आटे में से इस तरह से एक लोई तोड़ेंगे और छोटी सी इस तरह से लोई बनाकर एक रोटी बना कर के तैयार करेंगे। इस तरह से हमने ये 1 रोटी बना ली है। अब हम इसी तरह से दूसरी छोटी सी रोटी बना कर के तैयार करेंगे, पूरी के आकार की। हमने दोनों रोटी बना ली हैं। अब हम 1 रोटी पर चावलों की स्टफिंग रखेंगे इस तरह से फैलाते हुए, और दूसरी रोटी को रखकर इस तरह से हाथ से दबाकर दबा देते हैं, जिससे कि हमारी स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगी। और बेलन की सहायता से हल्के हल्के हाथ से बेल कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा घी लगाकर तवे को चिकना कर लेते हैं और पराठे को सावधानी से तवे पर डाल देते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर सिकने देते हैं। जब तक हमारा पराठा हल्का सा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बना कर के इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक गया है। अब हम इसमें दोनों तरफ से घी लगाकर तैयार कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। इस तरह से देखिए, हमारा पराठा सिक कर के तैयार है। कितना अच्छा पराठा सिका है। इसी तरह से हम सभी पराठे बना कर के तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे सभी चावल के पराठे बन कर के तैयार हैं। हमने ये 4 पराठे बना कर के तैयार किए हैं। चलिए, मैं एक पराठा आपको खोल कर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं चटपटे चावल के पराठे। आप खट्टी दही के साथ खाइएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इन्हें हरे धनिए की चटनी या आम के अचार के साथ भी खा सकते हैं। कैसे लगे गाइस आपको हमारे ये चटपटे चावल के पराठे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें
और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जादौन इंडियन किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।